नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। औरंगाबाद के देव में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलियों ने की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी। पटना जिले की सीमा पर कई दिनों से महाजाम के कारण भोजपुर, सारण और बेगूसराय जाने में लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है पटना में। लोकसभा की 17 सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के चयन के बारे में किया जाएगा गहन विचार विमर्श। और बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दूसरा चरण अप्रैल से हो रहा है शुरू। 3000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का होगा निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। औरंगाबाद जिले के देव थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव में सीआरपीएफ कैंप पर बीती रात नक्सलियों ने फायरिंग की। इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काफी देर तक नक्सलियों और सीआरपीएफ जवानों के बीच फायरिंग हुई। इसके बाद नक्सली भाग गए। इस संबंध में औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि दोनों ओर से फायरिंग हुई और नक्सली भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना जिले की सीमाओं पर कई दिनों से लग रहे महाजाम के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जाम के कारण पटना के सीमावर्ती जिलों खासकर भोजपुर, सारण और बेगूसराय जाना मुश्किल हो गया है। वाहनों की लंबी लाइन कई किलोमीटर तक लगी रहती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेंद्र पुल और कोइलवर पुल पर गाड़ियों के फंसे होने के कारण भी परेशानी बढ़ जा रही है। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज पटना में होगी। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि जदयू द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने वाले लोकसभा की 17 सीटों के नाम पर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दे और दूसरे राज्यों में विस्तार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। उधर कल मधेपुरा में युवा जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें संगठन को बूथ और पंचायत स्तर तक मजबूत बनाने पर विचार होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन और निगरानी विभाग के एडीजी सुनील कुमार झा ने नियोजन इकाइयों द्वारा फर्जी ढंग से नियोजित सभी शिक्षकों के कागजात की जांच 10 फरवरी तक कराने का निर्देश दिया है। सभी जिलों के डीपीओ स्थापना और निगरानी के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दोनों वरीय अधिकारियों ने यह निर्देश दिया। इंटर और मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी रोकने के लिए हर कॉपी के प्राप्तांक को डबल एंट्री सिस्टम से जोड़ा जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सूत्रों ने बताया कि इसके तहत हर कॉपी के अंकों की एंट्री 2 कम्प्यूटर में होगी। इस काम के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। इस बीच बिहार बोर्ड ने 23 महाविद्यालयों और +2 कॉलेजों की इंटर स्तरीय संबद्धता बहाल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 52वीं कड़ी होगी। राज्य के हर जिले को एक विशेष फसल के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि फसल उत्पादन के अलावे उद्यानिक फसलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिलों के मौसम और मिट्टी की अनुकूलता के अनुरूप विशेष फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि विशेष फसल के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक के लिए लागत मूल्य का 90% तक अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क आवास योजना के तहत फेज 2 में अप्रैल महीने से 3000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू होगा। ये सड़कें 5.5 मीटर चौड़ी होंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीएमजीएसवाई कोर नेटवर्क की सारी सड़कों को स्वीकृति मिल गई है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी बसावटों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना की राशि अब 23 जनवरी तक बांटी जा सकेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल ने जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राशि वितरण की समीक्षा के बाद यह निर्देश दिया। उन्होंने 23 जनवरी तक जिले
को साइकिल पोशाक योजना की राशि निकाल लेने का निर्देश भी दिया। पटना विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी टॉपरों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। समारोह में विभिन्न संकायों के 38 टॉपरों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 23 छात्राएं शामिल हैं। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कतैया गोथ गांव के पास अपराधियों ने किताब व्यवसायी से 4,10,000 रूपये लूट लिये। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के रामपुर उत्तर गांव के निकट से पुलिस ने 147 कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों अजय कुमार और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों मीनापुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पटना पुलिस की विशेष टीम ने विपुल हत्याकांड में नामजद अभियुक्त बारा पंचायत के मुखिया प्रकाश चंद्र सेट्ठी उर्फ रूपक शर्मा को नौबतपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। उसके साथ राकेश कुमार, मिथिलेश कुमार और सन्नी कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। पटना की वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मल्लिक ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से राइफल, 4 पिस्टल, 100 कारतूस और शराब बरामद की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। कोलकाता में विपक्षी दलों की रैली से जुड़ी खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। इसके तस्वीर भी प्रकाशित किए हैं। हिन्दुस्तान ने अपनी सुर्खी का शीर्षक लगाया है, राजीव नगर में प्रशासन ने खाली कराये जमीन। एक अन्य खबर की सुर्खी है, देव में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सली फायरिंग। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश का पैसा लूटने से रोका तो उन्होंने महागठबंधन बना लिया। इसी अखबार ने जेईई मेन में गया के अभिषेक का बिहार टॉपर होने की खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड के जमीन से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, दीघा राजीव नगर में 45 साल बाद 6 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जे से कराया मुक्त, विरोध में आगजनी और पथराव, 12 पुलिसकर्मी जख्मी। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कि अब मोबाइल की तरह रिचार्ज करा बिजली का कर सकेंगे उपयोग। इसी अखबार ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू प्रसाद को जमानत मिलने की खबर को प्रमुखता दी है। इसके अलावा अखबारों ने जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज, अभिषेक बने बिहार टॉपर, 3 साल में मीटर रीडिंग नहीं, प्रीपेड से होगी बिजली बिल की वसूली, आईएसआई के लिए काम करने वाले 3 शूटर गिरफ्तार से जुड़ी खबरों को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। औरंगाबाद के देव में सीआरपीएफ कैंप पर नक्सलियों ने की फायरिंग, कोई हताहत नहीं। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी। पटना जिले की सीमा पर कई दिनों से महाजाम के कारण भोजपुर, सारण और बेगूसराय जाने में लोगों को कठिनाइयों का करना पड़ रहा है सामना। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज हो रही है पटना में। लोकसभा की 17 सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के चयन के बारे में किया जाएगा गहन विचार विमर्श। और बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दूसरा चरण अप्रैल से हो रहा है शुरू। 3,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का होगा निर्माण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण गोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा का एकमात्र लक्ष्य देश और जनता के विकास के लिए कार्य करना। विपक्षी गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए कहा, लोकतंत्र का गला घोटने वाले ही अब उसे बचाने की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तिरुचिरापल्ली में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का शुभारंभ करेंगी। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, भारत में अगले 7-8 वर्ष में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता। खेलो इंडिया युवा खेल आज पुणे में संपन्न होंगे, 83 स्वर्ण, 60 रजत
और 79 कांस्य पदकों के साथ महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण गोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य नरेंद्र सवाईकर ने आकाशवाणी को बताया कि मडगांव के बोरदा में बहुउद्देशीय हाई स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में बूथ स्तर के लगभग 5,000 कार्यकर्ता भाग लेंगे। दक्षिण गोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 800 बूथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कल विपक्षी दलों की रैली को जन विरोधी बताया है। दादरा और नगर हवेली में सिलवासा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का गठबंधन उनके खिलाफ नहीं बल्कि देश की जनता के विरुद्ध है। ये लोग एक महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालत ये है कि जो पहले कांग्रेस को पानी पीकर कोसते थे वो भी एक मंच पर आ गए हैं। साथियों, ये महागठबंधन सिर्फ मोदी के खिलाफ ही नहीं, ये देश की जनता के भी खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे सभी सही मायने में एक नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने सीटों के बंटवारे के लिए खींचतान शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अभियान से कई लोग गुस्से में हैं, लेकिन इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है क्योंकि सार्वजनिक राशि की लूट को रोकने का काम किया गया है। उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटने वालों पर उपहास करते हुए कहा कि ये लोग अब लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। जिस पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल पार्टी को उसका कार्यक्रम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो, लोकतंत्र का गला घोंट दिया जाता हो, वे वहां इकट्ठे होकर के लोकतंत्र को बचाने के भाषण देते हैं, तब मुझे इतना ही कहना है, जब पूरे पश्चिम बंगाल का चित्र देखता हूं तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले जब लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुंह से निकलता है, वाह क्या सीन है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र लक्ष्य देश और जनता के विकास का कार्य करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय फिल्मों ने संवेदनशील क्षमताओं की सशक्त अभिव्यक्ति से पूरे विश्व में भारतीय सिनेमा की पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि देश के मनोरंजन उद्योग ने मानवीय भावनाओं के सभी पहलुओं को सफलतापूर्वक सामने रखा है। मुंबई में कल फिल्म प्रभाग के परिसर में देश के पहले राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने विख्यात फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता राज कपूर का उदाहरण दिया, जिनकी फिल्में पूरे विश्व में सराही गईं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की फिल्में नए भारत का आशावादी पक्ष प्रस्तुत करती हैं। नई सोच को सामने लाने में सिनेमा की मौन शक्ति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण, खेलकूद और शौचालय जैसे विभिन्न सामाजिक विषयों पर बनी हाल की सफल फिल्मों का उल्लेख किया। टॉयलेट जैसा विषय हो, वुमेन एम्पावरमेंट जैसा विषय हो, स्पोर्ट्स हो, बच्चों की समस्याओं से जुड़े पहलू हो, या फिर हमारे सैनिकों के शौर्य, आज एक से एक बेहतरीन फिल्में आप सबके माध्यम से देश तक पहुंच रही है। इन फिल्मों की सफलता ने सिद्ध किया है कि सामाजिक विषयों को लेकर भी अगर बेहतर विजन के साथ फिल्म बने तो वो बॉक्स ऑफिस पर भी सफल हो सकती है और नेशन बिल्डिंग में अपना योगदान भी दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए 1952 के सिनेमेटोग्राफी अधिनियम में संशोधन का विचार कर रही है। इस संशोधन के जरिए फिल्म रिकॉर्डिंग में कैमकॉर्डर के इस्तेमाल को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि देश में शूटिंग की अनुमति मांगने वाले विदेशी फिल्म निर्देशकों के लिए सारी प्रक्रिया एक ही स्थान पर जल्द निपटाने के उद्देश्य से फिल्म सुविधा केंद्र शुरू किया गया है। देश विदेश के निर्माता हैं, उनको एक सहूलियत हो, आसानी हो, एक सिंगल विंडो से, ताकि जितनी भी परमिशन हैं वो एक जगह मिल सके। 2016 और 17 में हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस
फॉर गेमिंग एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स का एक रूप रखा और उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने हमें यहीं मुंबई में जगह भी दी। अभी हाल ही में कुछ हफ्ते पहले आप में से कुछ फिल्म जगत से जो लोग थे प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने आग्रह करा और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जीएसटी को बदला और जो फिल्म के जो टिकट्स हैं उसको 28% से घटाकर 18% करा और जो 100 रूपये से कम है वो तो सिर्फ 12%। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ट्रेन में अकेले सफर करना सुरक्षित है क्या? हाँ बिल्कुल, 182 है ना। अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा हो तो डायल करो 182। और अगर पर्स या कुछ कीमती सामान चोरी हो जाए तो डायल करो 182। और कोई ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पे अपना सामान भूल जाए तो? अरे भाई सबके लिए 182। अगर ट्रेन में सफर करते वक्त कोई करे परेशान या चोरी हो जाए कुछ कीमती सामान या फिर भूल जाए आप अपना सामान तो याद रखें रेलवे सिक्योरिटी हेल्पलाइन नंबर 182 182 जिसपे होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। भारतीय रेल द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का औपचारिक शुभारंभ करेंगी। ये देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा होगा। इससे पहले अगस्त 2018 में अलीगढ़ में पहले गलियारे का उद्घाटन किया गया था। स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का वातावरण विकसित करने के लिए दोनों गलियारों की पिछले केंद्रीय बजट में घोषणा की गई थी। रक्षा मंत्री की उपस्थिति में रक्षा से संबंधित 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रक्षा मंत्री त्रिची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोयम्बतूर रक्षा नवाचार केंद्र का उद्घाटन भी करेंगी। वाणिज्य और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत में अगले 7 से 8 वर्ष में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में कल गांधीनगर में निर्यात पर एक संगोष्ठी में श्री प्रभु ने कहा कि उनके मंत्रालय ने विनिर्माण सेवा क्षेत्र और कृषि को महत्व देते हुए इसे संभव बनाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2019 आज गांधीनगर में संपन्न होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज दोपहर आयोजित समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। श्री नायडू पहले नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। वे करमसाड़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक भी जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनॉथ एक सप्ताह की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल वे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए वाराणसी रवाना होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और गंगा आरती के बाद नौका विहार करेंगे। कुंभ मेला प्रशासन प्रयागराज में कल पौष पूर्णिमा के अवसर पर दूसरे शाही स्नान के लिए आज सुबह से यातायात के मार्गों में परिवर्तन रहेगा। पौष पूर्णिमा के से एक माह के कल्पवास की शुरुआत होती है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कल्पवास के दौरान लाखों लोग संगम तट के किनारे बने तंबुओं में रहेंगे और दिन में 3 बार स्नान और 1 बार भोजन करेंगे। मान्यता है कि कल्पवास से आत्मा की शुद्धि होती है। इस बीच प्रशासन पौष पूर्णिमा के स्नान के लिए भारी भीड़ को देखते हुए आज सुबह 10 बजे से मेला क्षेत्र में गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देगा। इस दौरान सिर्फ कल्पवासियों, आपातकालीन और प्रशासन सहित कुछ वाहनों को ही मेले में प्रवेश की अनुमति होगी। साथ ही मेला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में धारा 144 भी लागू कर दी है। शशांक कुमार, कुंभ मेला क्षेत्र, प्रयागराज। खेलो इंडिया युवा खेल आज पुणे में संपन्न हो जाएंगे। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कल हरियाणा ने बॉक्सिंग में 10 और स्वर्ण पदकों की कमाई की, साथ में 8 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते। महाराष्ट्र के मुक्केबाजों ने भी 4 स्वर्ण, 1 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर अपनी छाप छोड़ी। कल लगभग सभी खेलों में स्वर्ण पदकों की कमाई करते हुए महाराष्ट्र ने अपने कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 83 पर पहुंचा दी। हरियाणा 59 और दिल्ली 47 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है। बास्केटबॉल में पंजाब और तमिलनाडु को 2-2 स्वर्ण पदक मिले। फुटबॉल में मिजोरम,
मणिपुर, कर्नाटक और झारखंड स्वर्ण पदकों के विजेता रहे। टेबल टेनिस में 2 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र को मिले। गुजरात और पश्चिम बंगाल ने 1-1 स्वर्ण पदक जीता। टेनिस में गुजरात ने 2 तथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 1-1 स्वर्ण पदक हासिल किया। आज खेलों का आखिरी दिन है। सुबह को हॉकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और तीरंदाजी के अंतिम मुकाबले होंगे। दोपहर 12 बजे समापन समारोह होगा। नितिन केलकर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। लिएंडर पेस ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय पक्ष की एकमात्र आशा हैं। उन्होंने कल मिश्रित युगल मैच का पहला दौर जीत लिया। पिछले वर्ष के उपविजेता रोहन बोपन्ना पहले ही दौर में बाहर हो गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद चंद्रिका। गुजरात के हजीरा में स्वदेशी तोप निर्माण इकाई देश को सौंपने के समाचार को अधिकांश अखबारों ने सुर्खियों में दिया है। ये देश की ऐसी पहली इकाई होगी जहां 43 किलोमीटर तक मार करने और 15 सेकंड में 3 गोले दागने वाली होवित्जर तोपों का निर्माण किया जाएगा। हिंदुस्तान लिखता है, करगिल युद्ध के समय से ही ऐसे तोपों की आवश्यकता महसूस की गई थी। जनसत्ता, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक ट्रिब्यून और पंजाब केसरी ने टैंक का मुआयना करते प्रधानमंत्री के चित्र को मुखपृष्ठ पर दिया है। विपक्ष की महारैली भी कई अखबारों ने विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने इसे विपक्ष का महाकुंभ बताते हुए लिखा है, 15 दलों के 20 से ज्यादा बड़े नेता ममता के मंच पर। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर का शीर्षक दिया है, 23 दलों की हुंकार। हरिभूमि ने इसे विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन बताया है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा, लूटने से रोका तो महागठबंधन। दैनिक भास्कर और देशबंधु ने नीरव मोदी मामले में सरकारी बैंक के 2 कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त करने की खबर दी है। दैनिक जागरण लिखता है, नागालैंड के सभी सशस्त्र संगठनों से जल्द ही सरकार का शांति समझौता हो सकता है। अखबार ने इसे कानूनी ढांचे के भीतर होने वाला अहम समझौता कहा है। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों पर हमले की साजिश में 3 लोगों की गिरफ्तारी, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है। अगले हफ्ते पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान, दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। हिंदुस्तान ने बॉक्स में गोरखपुर वर्कशॉप में बनाए जाने वाले अत्याधुनिक रेल यान के चित्र के साथ लिखा है, रेल पटरियों की निगरानी अब उच्च क्षमता वाले कैमरों से की जाएगी, इससे स्क्रीन पर रेल पटरी पर आई खामी देखी जा सकेगी। बिना इंजन का ये यान 15 मार्च को तैयार होगा। देशबंधु और वीर अर्जुन, लेह जिले के खरदुंगला में तूफान में फंसे सभी लोगों के शव बरामद होने की खबर दी है। हरिभूमि और दैनिक भास्कर ने सिख समुदाय द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी को लेकर अमेरिका की नीति में परिवर्तन करवाने वाले उद्यमी गुरिंदर सिंह को सम्मानित किए जाने की खबर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दक्षिण गोवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा का एकमात्र लक्ष्य देश और जनता के विकास के लिए कार्य करना है। विपक्षी गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटने वाले ही अब उसे बचाने की बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज तिरुचिरापल्ली में देश के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का शुभारंभ करेंगी और खेलो इंडिया युवा खेल आज पुणे में संपन्न होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।